तू गौर से सुन ऐ मेरे सनम, मेरी अम्मी जैसी कोई नहीं के तू गौर से सुन। किस्मत आजमाने आपकी दुआएं लेने के लिए आया है जिसे दुनिया मुजक्किर कमाल दरभंगवी के नाम से याद करती है। मैं इस वक्त उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाए और अपने कलाम से हम सामईन को नवाजे। माइक पर जनाबे मुजक्किर कमाल दरभंगवी। बहुत सारे दोस्तों की फरमाइश अम्मी के ऊपर पढ़ने की, मैं पढ़ करके आपसे इजाजत चाहता हूँ। हाँ सुने बतौर खास मुलाजा फरमाए के तू गौर से सुन, कह दे ये एक मर्तबा सुभान अल्लाह। तू गौर से सुन, के तू गौर से सुन, तू गौर से सुन, तू गौर से सुन, ऐ मेरे सनम मेरी अम्मी जैसी कोई नहीं। दुआएं चाहता वाह भाई चांद भाई वाह। निसार भाई सब शायर को घड़ी देना आपको। हाँ बैठे रहिए माशाल्लाह। दलिया दिल के साथ शेर सुने बतौर खास के तू गौर से सुन, तू गौर से सुन, ऐ मेरे सनम मेरी अम्मी जैसी कोई नहीं। तू गौर से सुन, ऐ मेरे सनम मेरी अम्मी जैसी कोई नहीं। के तू मेरी अम्मी जैसी कोई नहीं। खाता हूँ कसम अल्लाह की कसम, मेरी अम्मी जैसी कोई नहीं। वाह भाई मुज़क्किर सुभान अल्लाह। हाँ ये निसार भाई है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हाँ ये चांद भाई का नारा है। अल्लाह नारे तकबीर, अल्लाह नारे तकबीर, अल्लाह नारे तकबीर, अल्लाह मेरी अम्मी जैसा कोई नहीं। वाह हिंदुस्तान 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 का मुसलमान चांद उधर की कमान, उधर की कमान पहने वाले बतौर खास मुलाजा फरमाए के तू गौर से सुन, तू गौर से सुन, ऐ मेरे सनम मेरी अम्मी जैसी कोई नहीं। मेरी अम्मी जैसी कोई नहीं। बचपन की सारी यादें, बचपन की सारी यादें, बचपन की सारी यादें अब याद आती हैं। बचपन की सारी यादें, बचपन की सारी यादें अब याद आती हैं। वो यादें तेरी बातें मुझको रुलाती है। बचपन की सारी यादें अब याद आती हैं। वो यादें तेरी बातें मुझको रुलाती है। वो यादें तेरी बातें मुझको रुलाती है। अब कैसे बताऊं
खुश मौला उन्हें खुश मौला उन्हें खुश रखना हर दम मेरी अम्मी जैसी कोई नहीं मेरी अम्मी जैसी कोई नहीं आखिरी बात और आखिरी इजाजत कि रोता मैं अगर रातों में रोता मैं अगर रातों में वो लोरी सुनाती थी रोता मैं अगर रातों में वो लोरी सुनाती थी सीने से लगा कर मुझको बाहों में सुलाती थी रोता मैं अगर रातों में वो लोरी सुनाती थी सीने से लगा कर मुझको बाहों में सुलाती थी ममता के हाथों से मुझको वो खाना खिलाती थी ममता के हाथों से मुझको वो खाना खिलाती थी डिग डिग कह करके माँ मुझको डिग डिग कह करके माँ मुझको तू चलना सिखाती थी ममता के हाथों से मुझको तू खाना खिलाती थी डिग डिग कह करके माँ मुझको तू चलना सिखाती थी डिग डिग कह करके माँ मुझको तू चलना सिखाती थी दुनिया की वाह बहुत अच्छे भाई मुज़क्किर हाँ दोबारा इस शेर को पढ़ दीजिए अच्छा है भाई मुज़क्किर बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का पढ़ो इस बंद को फिर पढ़ो 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 फिर से यही बंद मैं पढ़ देता हूँ उसके बाद आपसे इजाजत सुने बतौर साथ राजा फरमाए कि तू गौर से सुन ऐ मेरे जरा पूरा मजमा एक मरतबा जो गौर से सुन ऐ मेरे सारा मजा आ जाए मेरी अम्मी जैसी कोई नहीं जैसे मैं बोलूं तो आप भी बोलेंगे इंशाल्लाह बोलेंगे ना सुने बतौर साथ कि तू गौर से सुन तू गौर से सुन ऐ मेरे सनम मेरी अम्मी जैसी तमाम हजरात मेरी अम्मी जैसी कोई नहीं बचपन रोता मैं अगर रातों में रोता मैं अगर रातों में वो लोरी ही सुनाती थी रोता मैं अगर रातों में वो लोरी ही सुनाती थी सीने से लगा कर मुझको बाहों में सुलाती थी रोता मैं अगर रातों में वो लोरी ही सुनाती थी सीने से लगा कर मुझको बाहों में सुलाती थी ममता के हाथों से मुझको वो खाना खिलाती थी ममता के हाथों से मुझको वो खाना खिलाती थी डिग डिग कह करके माँ मुझको डिग डिग कह करके माँ मुझको तू चलना सिखाती थी ममता के हाथों से मुझको तू खाना खिलाती थी डिग डिग कह करके माँ मुझको तू चलना सिखाती थी दुनिया की अम्मी जैसी कोई नहीं तू गौर से सुन ऐ मेरे सनम मेरी अम्मी जैसी कोई नहीं बहुत अच्छे मौजूद सामईन